हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आप टू वाचिंग दिस वीडियो माय नेम इज देश नानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल cuz I found my way. तो गाइस बड़े पसीने छूट चुके हैं क्योंकि सफाइयाँ चल रही हैं अभी घर में, ठीक है. और अभी मैं पूरे घर का देखो कचरा, आप भी देख लो, मैंने भी देखा है. तो हम कचरा ये जो है पूरा अभी मैंने झाड़ू वाड़े लगाया पूरे घर में. बड़े घर का यही एक थोड़ा वो है कि आपको सफाइयाँ करनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम, और फिर कचरा भी बढ़िया अच्छे खासा निकलता है. तो बस मैं कहा चलो यही है कि अपना काम चलो घर की सफाई करके मिलता हूँ क्योंकि यार बहुत सही सही प्लान्स हैं. हो गई है प्रॉपर सफाई, मजा आ गया सफाई करके. घर बहुत ही ज्यादा साफ हो गया और वॉशरूम साफ हो गया, हॉलवे साफ हो गया, लिविंग रूम साफ हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया. गुड वर्क हितेश, गुड वर्क. नेक्स्ट स्टॉप ये है लॉन्ड्री. लॉन्ड्री 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 करी जाएगी और अभी हो रहा है कार्ड लोड बस. और लॉन्ड्री करने आ गए हैं, फिर लॉन्ड्री के बाद भी बढ़िया सीन्स ऑन रहेंगे. तो गाइस जिम आ गए अभी हम, और अभी एक्सरसाइज करेंगे. पहले हम जा रहे हैं ट्रेडमिल करने, तो मैं अभी जा रहा हूँ ट्रेडमिल करने. लेट्स डू दिस. सो गाइस एक्सरसाइज वगैरह हो गई है और नहा के निकल गया हूँ मैं, और बस थोड़ा बहुत अभी ड्राइव वायर मारूंगा. जा रहा हूँ गाड़ी में और सीन ये है कि हम जा रहे हैं ओशवा, क्योंकि ऐसे ही मतलब छुट्टी हो गई थी आज. तो छुट्टी हो गई का मतलब ये है कि वीकेंड आ गया है, और वीकेंड आ गया है तो फिर थोड़ा बहुत तो घूमना होता ही है. तो बस फिर निकलते हैं. तो गाइस हम ना घर से निकल चुके हैं, हम काफ़ी जल्दी निकले हैं क्योंकि आप टाइम देख ही सकते हो क्या टाइम हो रहा है. हम काफ़ी जल्दी निकले हैं, फिर भी अभी ये यहाँ पे बैठ कर अपना मेकअप करेंगी. मेकअप नहीं करूँगी, नॉर्मल कुछ लगा रही हूँ कि मेकअप पसीना ना आए. ब्रश लेके घूम रही है साथ में, कह रही नॉर्मल. तो सारी लड़कियां जो भी देख रही हैं उनको पता है कि ये बहुत नॉर्मल है. सो गाइस मैं एक घंटा गाड़ी चलाकर पहुंच चुका हूं ओशवा, और अब हम खाने आए हैं कुछ अच्छा सा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से ढंग से. कि भाई कुछ भी इधर उधर करके निपटा लेते थे, पर अब हम खाएंगे अच्छी जगह से. ड्राइव करते करते तो अब हम जा रहे हैं अंदर ओशवा, चले खाएं कुछ बढ़िया. गाइस हमने ना ये मंगा लिया, एक तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, तवा पुलाव, और ये मैंने मंगाया है राजमा राइस, और साथ में और भी बहुत कुछ आ रहा है. ये तो आ ही गई है थम्स अप, साथ में पाव भाजी. पिज्जा भी हो रखा है, तो पाव भाजी भी है. हाँ बोली थी, बोली थी भाई तूने पाव भाजी बेवकूफ. गोलगप्पे हो गए, पाव भाजी हो गई, ये पाव हो गए, राजमा राइस हो गए, पिज्जा भी आ रहे हैं, वो सेव पूरी हो गई. दावत नेक्स्ट मॉर्निंग. तो गाइस हम उठ चुके हैं और ये जा रही है प्रेजेंटेशन देने, और साथ में केले लेते हुए. अरे बनाना शेक दिया नहीं, ये खोलियो सुबह सुबह गेनिंग शेक पिला दिया. चिल्ले पूरे पूरे मजे हो रहे हैं. और मैं सबसे पहले उठ गया था क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं रात को ना सोते सोते नहा लिया था, और फिर मैं जब नहाया तो मेरे को फील हुआ कि शिट मेरे को उससे नहाना ही नहीं था, और मैं नहाया हूँ पसीनों में. गाइस आलू के पराठे खाने का मन हो रहा है. एक तो आप जब आते हो ना वेकेशन पे तो होता है कि सुबह सुबह कोई आलू के पराठे खिला दे, या तो पूड़ी छोले खिला दे, या आलू पूड़ी खिला दे जो होटल में मिलती है ना प्रॉपर. आलू पूड़ी मजेदार. अब पागल लेके चार घंटे उसी में चले जाएंगे बना रही. एक घंटा भी नहीं. हाँ तो आएगी 1:30 बजे, बनेंगे 3 बजे, फिर खाएंगे और 4 बज जाएंगे और फिर 5 बज जाएंगे. गोभी के
तू तो पराठे बना लेती है अक्षय, बता सच्चाई है। सही में अक्षय के, अक्षय बता रहा है कहाँ पड़ी है, उसकी बात सुन। कहाँ है? वहाँ जा सीधा दरवाजे से फिर राइट। सो गाइस घर से निकल गए क्योंकि कुछ खाने पीने का लेने का समझ नहीं आ रहा था, और ओशवा में इतनी जगह है नहीं खुली ना, मतलब ज्यादा टोरंटो में तो क्या है कि भाई ये रहा मतलब पैदल चले जाओ, पर यहाँ पे थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं अभी इंडियन स्टोर पंचवटी, और वहां से देखेंगे कुछ लेते हैं खाते हैं। तूने क्या खाना है सोचा कुछ? देखूंगी। मतलब हम सोच रहे हैं कि कुछ ना, मतलब मेरे को तो ना समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं, पर मेरे को कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। और रात को बड़ी गर्मी लग रही थी एज हेल, मेरे को तो बहुत ही गर्मी लगती है, तो मेरे को तो रात को बीच में उठ गया था 5-7 मिनट के लिए कि भाई क्या हो रहा है इतनी गर्मी हो रही है, पसीने वसीने हो गए थे और ढंग से अभी नींद भी पूरी नहीं हुई, पर वो तो कोई बात नहीं, अब छुट्टी है आज कल सो जाऊंगा आराम से। अभी फिलहाल के लिए पेट पूजा और कोई काम ना दूजा मेरा। मैं यहाँ से ना बड़ा कुछ सही मिल जाता है, आप देखो जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, और आज वैसे भी ट्यूसडे है तो वेज ही खाना है मेरे को, तो मैं नॉन वेज तो नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने कहा चलो इंडियन स्टोर चल लेते हैं और काफ़ी कुछ मिल जाएगा इंडियन स्टोर से। मैं तेनू किन्ना चाहनी हाँ, क्या बात है। पता है कनाडा में ना जो आइसक्रीम होती है, कोई कोई आइसक्रीम ऐसी होती है जो इतनी पसंद नहीं आती, पर मतलब इंडिया की आइसक्रीम ज़्यादा आती है। और पंचवटी में देखो मुझे क्या मिला है, वाडी लाल की चॉकलेट आइसक्रीम, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, थोड़ी सी है ये, वैसे इतनी छोटी सी है 100 ml की, ये है $3 की, महंगी है पर स्टिल कोई ना, वाडी लाल इज वाडी लाल, लेट्स ट्राई दिस। पता नहीं क्या क्या ले लिया ये, टॉप रेमन करी नूडल्स। तो भाई ये देखो यहाँ पे समोसे वगैरह हैं और ये आलू पैटीज वगैरह है, ब्रेड पकौड़े टाइप कुछ है, वो तो ख़त्म हो गया था, कम दिख नहीं रहे, पर यहाँ पे भी बहुत कुछ है, बहुत ही मज़ेदार। माँ की आँख किंडर जो है मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन मिल रहा है 499 का। मैंने जब इंडिया में खरीदा 40 रुपये का खरीदा था मैंने, मुझे नहीं पता जब मैं शायद जब मैं बचपन में मैंने खरीदा था तो 40 रुपये का मिलता था। इंडिया में अभी क्या प्राइस चल रहा है कमेंट करके बताओ ज़रा, इतना महंगा $5 इज लाइक, मैं कन्वर्ट नहीं करना चाहता पर फिर भी कन्वर्ट करके इट्स लाइक 300 रुपये, इतना महंगा। तो गाइस देख लो हमने कितना भर भर के सामान ले लिया है यहाँ पे, इतना ज़्यादा। सो गाइस मैं टिम हॉर्टन्स आ गया था, और इतनी बड़ी ड्राइव थ्रू की लाइन में लगने के बाद मुझे फाइनली ये मेरी कॉफ़ी मिल गई है, अमेजिंग कॉफ़ी, 4 milk 4 cream मीडियम आइस कॉफ़ी। गाइस वाडी लाल की आइसक्रीम ले आया हूँ, ये खाने वाला हूँ आज मज़े में, ओए होए समझ ऑन है पूरी। फाइनली वी बैक टू सृष्टि एंड अक्षय हाउस, और साथ में निकिता की मम्मी बैठी हुई है यहाँ खड़ी हुई है, ये भी निकिता भी किचन में खड़ी है, इसकी मम्मी भी किचन में खड़ी हुई है, तो ये पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है। गाइस कलेश हो गए, कलेश हो गए, कलेश हो गए गाइस, वो देखो कलेश हो गए, कलेश 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 और बैठे ही रह गए, हमने जाना था बीच वीच पे, हमने सोचा था कि चलो बीच पे जाएंगे कुछ करेंगे फ़न, पर एक्चुअली में हुआ क्या, बारिश इतनी तेज़ होने लगी यहाँ पे कि बीच का प्लान ही ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया। अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, अब बादल देखो ऊपर कैसे हो रखे हैं, आप ये देख रहे हो ना बादल, तो बहुत ही ज़्यादा वो आई हुई है कि मे बी अभी बारिश हो सकती है, तो फिर इस चक्कर में कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दाल चावल बनाए हैं अभी हमने, तो हम दाल चावल खाने लगे हैं, वो थोड़ा बहुत खाएंगे फिर देखते हैं क्या बनता है, कुछ बनेगा तो बढ़िया हो गया, नहीं बना तो भी बढ़िया हो गया, बस चिलिंग चल रही है। अरे वो वाले गाइस ये ना ऊपर बैठे हुए हैं, हम इनको फोन करी जा रहे हैं, उठा तो रहे नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको ऐसे बुलाता हूँ। चावल है हितू, ये इनके दूसरे फ्रिज में।
का व्लॉग। अच्छा ये मुझे कह रही थी कि ना ये व्लॉग मत कर यहाँ से, वो आइस निकालने का दोबारा का आइस, बारिश शुरू हो गई जैसे आपको बताया था मैंने कि यहाँ बारिश एकदम से होने वाली थी। ये देखो बहन की आंख हो गई इनकी, ये देखो देखो एकदम से कितनी तेज हो गई है बारिश, ये देखो ओले ओले बुर्रा बुर्रा, वो देखो अंदर तक पानी आने लग गया, बंद करो इसे। यस सेफ। सो गाइस जैसे बोला था आपको कि मैंने ये खाने हैं दाल चावल, तो मैं दाल चावल खाने लगा हूं प्रॉपर। चल चले ऊपर। तो गाइस घर से अब निकल रहा हूँ मैं, क्योंकि ना बैठे बैठे बोरियत चढ़ चुकी है, तो अब हमने कहा कि चलो ट्रेल पे थोड़ा घूम के आए, तो हम निकल रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से आगे। चलते चलते कट गए रास्ते। चलते चलते कट गए रास्ते। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं धर्म कैंपस, ये देखो सारा वो बिल्कुल, आपको एक दूर बिल्डिंग दिखी वो प्रॉपर पढ़ने वाली बिल्डिंग है वो देखो, पर अभी फिलहाल हम ऐसी कैंपस में आए, थोड़ा घूम रहे हैं देख रहे हैं। और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही है सच में। अब ऐसी धूप में बंदा टैन नहीं होएगा, काला नहीं होएगा तो क्या होएगा। पर सनस्क्रीन लगा ली अभी मैंने, तो बस भगवान करे बची रहे। तो गाइस हम अभी अंदर जा रहे हैं कैंपस के, देखते हैं कि कैसा है कैंपस। स्टूडेंट्स आ गए गाइस, पूरा जस्टिस रिंग है, जस्टिस रिंग यहाँ पे इंसाफ होता है गाइस। तो गाइस मैं अभी ना यहाँ पे आ गया हूँ, और ये देखो यहाँ पे अंदर वॉलीबॉल कोर्ट है, इतना बड़ा कोर्ट है, तीन तीन अलग अलग। हाँ अंदर तो वो मांगेंगे ना आईडी वगैरह। अमेजिंग गाइस, अक्षय हमें लेकर जा रहा है रतलाम की गलियों में। रिकॉर्ड मी। ये कहाँ जा रहे हैं हम, बेंच सांप सूप तो नहीं निकल आएंगे। ओह यस ओ बेंचोद मनाली। ओ यहाँ पे कह रहा है, वैसे वो भी है लेकिन यहाँ बैठते हैं, ये पहली बार देखा है मैंने। आ जा तो अब हम गाइस वहाँ बैठने जा रहे हैं प्रॉपर, यहाँ पे मजे चल रहे हैं। गाइस अभी हम प्रॉपर एक ट्रेल पे चल रहे हैं ऊपर, और ये लोग काफी पीछे रह गए। काफी पीछे हैं, तो मैं कह रहा हूँ। अबे कहाँ ले जा रहा है बहन, जो सीरियसली वो रिकॉर्ड हो गया। गाइस सर्बियन लेडी ऐसे नाचती है, बजाइयो। अरे वो भूतनी की बात है। बाय। घर पे आ गए हैं हमारा, हमने हमारी सारी ट्रेन वे सब एंड वेंड कर ली है,
और अब घर पे आके बना रही है मैगी, जो कैलोरीज बर्न करी थी वो मैगी में उतरने वाली है, और उसके बाद शायद हम जाएंगे डिनर विनर करने। और एनी कैसी रही भाई ट्रेल मेरे आए मजे? अरे यहाँ छाया सही है। अरे ये तो जगह बैठ। बकचोदी में आ गए यहाँ पे हम खेलने, खेलने के लिए कह रहा है, पता नहीं मेरे को, मैं तो आज तक खेला भी नहीं है ये, पर देखते हैं। चलो मैंने आज तक खेला नहीं है, बकचोदी बकचोदी में मैच खेलने के लिए कह रहा है। चुप हो गई, कैमरा ऑन ही रखो ताकि चुप रहे तू, क्योंकि यार ये इतना बोली जा रही, इतना ज्यादा बोली जा रही, सर दर्द हो गया भाई। अब कैमरा ऑन ही रहेगा ताकि तू चुप रहे। अगर नागा टोमी का चेयरपर्सन हमसे मिलना चाहते हैं, सुबह हमने ना बहुत सारा सामान ले लिया दोबारा खाने के लिए, ये टाकोस वगैरह बने हुए हैं, ये पिज्जा आ गया बिल्कुल जैसे डोमिनोज का स्वीट कॉर्न पिज्जा होता है वो वाला है, ये आइस ले लिया है वो साथ में, उसके पास भी सॉस भी ना ग्रीन वाली डाल दी, ये भी है। सो गाइस वी गोइंग वे बैक होम, और अभी रात के बज रहे हैं 1:30 अभी, और हम निकल चुके हैं वापस रोड ट्रिप मारते हुए, बढ़िया सी राइड करते हुए चल रहे हैं हम, और बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मनाली के टनल में घुस गए हैं, अब पहाड़ निकलेंगे टनल के बाहर, बट फिलहाल अभी मैं ड्राइव करता हूँ, बाद में मिलता हूँ। टाइम क्या हो रहा है? रात के 2:26 हुए हैं। सो गाइस अभी ड्राइव करके घर पहुँचा हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और नींद भी बहुत आ रही है, कल भी नींद पूरी नहीं हुई थी। So that is all for the video. I hope you guys liked it. If you did like it, please hit the like button and subscribe the channel. Milte hain next video mein. Take care. Keep smiling. Na zyada bade sapne, na zyada bade shauk. Bas choti choti khwahishein aur chote chote khwab.